सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को बार बार प्रणाम। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि अभी हम लोग पडरौना में एक गांव में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है कल्लू की दुल्हनिया। और देख भी रहे हैं दुल्हन बगल में खड़ी है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि आखिर ये दुल्हन किसकी दुल्हन है, किसकी, हाँ किसकी दुल्हन है। तो इसके लिए आप लोग को फिल्म का वेट करना पड़ेगा। तो जैसे इतना दिन इंतजार किए, आप लोग और इंतजार कीजिए, और इंतजार का फल मीठा होता है। और जैसा कि सीन था कि बुलेट पे हम दुल्हन को लेके भाग रहे थे, अब मैं भाग रहा था ये भगा रही थी आप लोग को। जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि दुल्हन में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, और सब में कहीं ना कहीं अच्छाई है तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं। तो उस बुराइयों को सुधारने के लिए हो सकता है जो सास पतों में झगड़ा होता है उसको पहले से ही प्रिपेयर किया जा रहा हो, दुल्हन तैयार किया जा रहा हो। तो देखते हैं सातु दुल्हन में कौन हमारी दुल्हन। मैं पहली बार एक हीरोइन दो हीरोइन के साथ काम किया था, फर्स्ट टाइम सात हीरोइनों के साथ काम किया। अरे यहाँ पे किसी को एक नहीं मिलती है। मैंने अच्छा कर्म किया होगा या कर रहा हूँ कि मेरे को फल अच्छा अच्छा मिल रहे हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत सौभाग्य वाला हूँ कि निधि जी हो गई या जितनी सारी एक्ट्रेस है, पूनम जी, मनी जी, सोनालिका, जोया, आहाना, सब लोग हमारे साथ काम करें और मैं उनके साथ काम करूं, एक साथ वो भी एक फिल्म में। बहुत मजा आ रहा है और बहुत खुश हूँ। सभी अच्छे, ये जवाब तो देना पड़ेगा, ये जवाब तो मैं भी सुनने के लिए बेकरार। सभी अच्छे, मैं क्या बोला, सभी लेकिन कौन एक, जैसा कि सभी अच्छे कारण क्या है, बहुत अच्छे। इनके साथ मैंने काफी पिक्चरें की और अच्छी अच्छी फिल्में की। तो दर्शकों का प्यार है, हम इन्हीं लोग के लिए फिल्म बनाते हैं, इन्हीं लोग के लिए हम लोग इनके पास आते हैं, इनके करीब आते हैं, जो हमें फिल्मों में देखते हैं, जो हमें YouTube पे देखते हैं, जो हमें TV में देखते हैं, अगर उनके पास हम लोग आए तो ये जाहिर सी बात है कि इन लोग एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। मेरी तैयारी, पहले तो आप सभी दर्शकों को निधि जी का प्रणाम है। तैयारी हमेशा तैयारी करके ही आती हूँ, क्योंकि हर फिल्म में एक नया किरदार होता है, नया कैरेक्टर होता है, और मेरी यही कोशिश रहती है कि जो कैरेक्टर मैं निभाऊं वो दर्शकों तक पहुंचे, ताकि वो लोग निधि झा के नाम से नहीं उस कैरेक्टर से जाने। तो यस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज एक साल बाद, एग्जैक्टली एक साल बाद हम मिले हैं, और हम शूट लॉकडाउन में हम लोगों को दूर कर दिया था। इस लॉकडाउन के बाद फिर हम करीब आए। जितने अभी हैं उतने ही गरीब आए हैं, ये है। बट यस, अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। एक अगर मैं, मुझसे पूछा जाए तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आएगी, ना ही मैं छुपाऊंगी कि इस इंडस्ट्री में अगर सबसे अच्छा दोस्त अगर मैं किसी को कह सकती हूँ तो वो है मिस्टर कल्लू। मैं दिल से मानती हूँ और मुझे अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। एक अलग ही नेचर है, बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं, तो अच्छा लगता है। फिल्म के डायरेक्टर चंदन उपाध्याय जी, उनके साथ मैं फर्स्ट फिल्म कर रही हूँ, बिकॉज हमें कभी मौका मैं नहीं मिल पाया, डेट्स का प्रॉब्लम, बहुत सारे एक्सक्यूजेस आए, बट यस फाइनली हम साथ में काम कर रहे हैं। और प्रोड्यूसर जो है वो है मुकेश गुप्ता जी, वो मेरे लिए बहुत अजीज है। रीज़न कि इस इंडस्ट्री में निधि झा जब आई थी तो उनकी ही पहली फिल्म की थी, जो था जिद्दी। सो अगेन हम रीयूनियन हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। आज हमारे फिल्म का फर्स्ट डे है, सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि और भी अच्छा काम करें। जिद्दी दुल्हनिया देखने को मिली, अब दुल्हन है जिद्दी, नाम है निधि। बस यही कहेंगे कि आप लोग इतना सारा प्यार दीजिए, इतना सारा प्यार दीजिए, जो भी हम, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो हमारे दुल्हन बने ऐसे नहीं, जितनी दुल्हने हैं सबको आप लोग आशीर्वाद के रूप में, जैसे हमने के यहाँ शादी होला तो मुँह देखाई में लोग कुछ ना कुछ देला, तो एगो दुल्हन होला तो लोग गहना जेवर सब बनावे ला, सात सात को दुल्हन बड़ी सा। तो आप लोग अपना पूरा परिवार के साथ सिनेमाघर में जाए लोग, हमने खातिर आशीर्वाद वह हो। TV पर आई, YouTube पे भी आई, ऐसा नहीं कि फिल्म ना आई, लेकिन सिनेमा घर में जाकर देखा लोग, तो हमने पूरा यूनिट के, पूरा कल्लू की दुल्हनिया के खुशी हुई। बस यही कहूँगी, जैसा कि इन्होंने तो कह दिया, बट आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि एक प्रोड्यूसर को बहुत मेहनत लगता है एक फिल्म बनाने के लिए, तो प्लीज़ YouTube का वेट ना करें, TV का वेट ना करें, जैसे ही फिल्म आती है एक बार ही सही जाके फिल्म को देखें और अपने परिवार के साथ देखें, अपने दोस्त यार के साथ देखें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक फिल्म बनाने के लिए, और वो मेहनत तभी सफल हो पाती है जब आप सब अपने परिवार के साथ जाते हैं और उस फिल्म को खूब सारा प्यार देते हैं।